यहाँ तो बाप कैमरा है। पैनकेक्स विदाउट मेपल सिरप। पुराने जमाने में ऐसे ही फ्लैश के लिए जैसे खिंच आती ना, पहला कैमरा है दुनिया का, लाइक द फर्स्ट कैमरा एवर बिल्ट। इज लाइक गुनीत विदाउट फूड। आओ और खो जाओ। मुझे क्या लगता है ना, कितना भारी कैमरा है यार ये, कैमरा बाप है। तो देखो ऐसा है, सब घर जैसा है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गुनी शर्मा। वो सब अच्छे हैं, स्वस्थ और हेल्दी हैं। आज का जो व्लॉग है ना, आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा सिनेमैटिक होने वाला है, बहुत ज़्यादा कैमरा से रिलेटेड होने वाला है, बहुत ज़्यादा फिल्मी तो हमेशा होता है सिंस मैं फिल्मी हूँ ना, तो लेकिन बहुत ज़्यादा कैमरा ओरिएंटेड प्लस फूड होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग आए हैं म्यूजियो कैमरा, लाइक कह सकते हो कि कैमरे का म्यूजियम। अब यहाँ पे आने और इस जगह की चॉइस दी है वन एंड ओनली हमारी आंचल ने। आंचल नाइस कैफे एंड जगह। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ गाइस, क्योंकि मैं तो आते ही पागल हो गया हूँ, आप लोगों को भी थोड़ा पागल करता हूँ और दिखाता हूँ ये सारी चीज़ें। और दिखाने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओह ये अभी फिलहाल हम लोग ज्यादा म्यूजियम एक्सप्लोर करने की बजाय कुछ खाएंगे, क्योंकि भूख लगी बहुत ही ज्यादा तेज। 10 बज गए, कुछ ही नहीं खाया अभी तक मैंने। मैं जानबूझ के इस जगह के लिए मैं सुबह उठा हूँ, मैडम को ये जगह घूमनी थी तो इसलिए हम लोग सुबह आए हैं। एंड सबसे पहले ब्रेकफास्ट देखते हैं। दिस प्लेस इज वाओ, सो फास्ट सो गुड, लाइक कसम से एम्बियंस एंड एवरीथिंग इज सो मैचिंग। आप ये हल्की हल्की लाइट देख रही है, 2-4 फोटो ले लो मेरे इंस्टाग्राम, यहीं का इंस्टाग्राम देख रहे हो आप लोग, फॉलो कर रहे हैं यार। मैडम क्या मंगा रहे हैं? ओहो क्या धूप आ रही है तुझ पे, मैं क्या बताऊँ। ओ इनकी कटलरी ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लग रही है, ये सच में थोड़ा ऊपर तो हिल भी नहीं रही, ये सच में भारी है। इसको ले चलते हैं घर, है ना, और जिम कर लिया करेंगे दो दो बार। 4 किलो का हो गई, 3-4 किलो का लिया। तो गाइस भूख भूख तो मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है। अभी जब तक हमारा खाना नहीं आ रहा, मुझसे तो नहीं रुका जा रहा, पहले एक कॉफ़ी ही ले लेते हैं। हाँ चल लेट्स हैव दिस कॉफ़ी, इन्जॉय द कॉफ़ी एंड टेल मी हाउ इज़ इट। ये चीज बढ़िया लगती है, जो लोग साथ में कुकीज देते हैं ना, मेरी नजर में उनकी इज्जत बढ़ जाती है। नहीं यार कड़वी पियेंगे, मेरे दोस्त लोग बोलेंगे साले हमारा सत्तो नहीं पीता तो कभी कड़वी। बहुत ज्यादा कड़वी है, यक चीनी, आई वांट शुगर गाइस, आई एम सॉरी, एटीट्यूड गया तेल लेने, चीनी चाहिए हमें चीनी। इतना टाइम बाद में पैनकेक खा रहा हूँ ना, वरना सुबह तो ब्रेड और पीनट बटर ही खा रहा होता हूँ। सॉरी मम्मी, इसका मतलब ये नहीं, आप भी अच्छा बनाते हो पैनकेक्स एंड आंचल ये क्या? फ्रेंच टोस्ट है। प्रेजेंटेशन तो बहुत ही सही लग रही है, वही जो तू कह रही थी ना, अर्थ अर्थी थीम, हाँ प्लेट्स भी वैसी है। ओ वाह, ये तो पार करने का मन कर रहा है। मैडम आप फ्रेंच टोस्ट के मजे लो, मुझे पैनकेक के मजे लेने दो कॉफी और ब्राउनी के साथ। हाउ इज द फ्रेंच टोस्ट? Nice. पक्का? पैनकेक्स विदाउट मेपल सिरप इज लाइक गुनीत विदाउट फूड। क्या एग्जांपल दिया मैंने वो? आओ और खो जाओ। स्टार्टिंग द डे विद पैनकेक्स इज लाइक गाइस एक और बार इसकी खुशी में अच्छी तरह आप लोगों को बोलना भूल गया, आज महाशिवरात्रि है यार, हर हर महादेव, महादेव का आशीर्वाद लेते हुए पैनकेक। और 10 फीट का डोसा के बाद मुझे 1 महीना रोज ही खाना चाहिए, सिर्फ फ्रूट्स पैनकेक कॉफी बस।
एक महीने में ऐप्स आ जाएंगे, एक महीने में मजाक कर रहा हूँ, ऐप्स नहीं आते, बस कुछ भी बोलो। हाउ इज योर फ्रेंच टोस्ट? पैनकेक्स बेटर। पैनकेक्स, यस। वर दे दीस सिग्नेचर स्टेप वाला? हाँ, तो देना। ओह ये पैनकेक पहली बार? अब मुझे लग रहा है आंचल मुंबई जाके वापस पैनकेक बनाने वाली है, नहीं मंगाने वाली है, बनाने तो नहीं वाली है, बनाने तो नहीं वाली है। पहली बार है मेरा ये पैनकेक में पेट भर गया और इतना सारा था ये, आई एम नॉट किडिंग गाइस, कैमरे में शायद कम देख रहा हूँ, आधा बचा भी मतलब पेट भर गया, लाइक मेरा हो गया। थोड़ा म्यूजियम घूमते हैं। इमेजिन करो पुराने टाइम पे लाइक ऐसे इमेज क्रिएट होती थी, अभी ये लोग जो एंटर करने वाले हैं वो इन्वर्टेड है, तो वहाँ से इन्वर्टेड इमेज आके यहाँ पे करेक्ट इमेज आती है एंड देन यू सी द राइट इमेज। सो गाइस वेलकम टू द एरा ऑफ कैमरास। इतने सारे कैमराज है ना यहाँ पे, लाइक जो बाहर मैंने अभी आपको कैमरा दिखाया वो आई गेस पहला कैमरा है दुनिया का, लाइक द फर्स्ट कैमरा एवर बिल्ट आई गेस। If I'm wrong, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। तो इतनी सारी हिस्ट्री है ना, ये अगर मैं पढ़ लेता ना मैं स्कूल में टॉप मारता। ये भी अच्छा सा लग रहा है भाई कैमरा। ये क्यों क्रिएट करते थे? वैक्यूम के लिए अंदर। तुझे पता है हमारी ह्यूमन आई का कितना मेगापिक्सल होता है? आई गेस 500 समथिंग मेगापिक्सल। गाइस नीचे बताना अगर गलत हो तो। इस कैमरे को तो चलाने के लिए 2-3 बंदे लगते होंगे। देखिए कितना भारी कैमरा है यार। पहले कैमरा मतलब रूम के साइज जितना बड़ा होता था और अभी एक छोटा छोटा हमारा कैमरा आने लग गया है। रूम की जितना बड़ा होता था। सो दिस कैमरास देखियो कितना पुराना कैमरा हो गया यार, ये जंग खाया हुआ है पीछे, फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, जंग लगा हुआ है भाई। और कितना पुराना कैमरा स्टोर्ड होगा, 1926, आजादी से पहले का कैमरा है ये। तो गाइस पुराने जमाने में ऐसे ये फ्लैश के लिए जैसे आती है ना छोटे छोटे फ्लैश वो लगे होते हैं बल्ब, पुराने जमाने में ऐसे लगते थे बड़े बड़े एंटीना जैसे कैमरास में, और अलग अलग टाइप के बल्ब्स भी दिए हुए हैं नीचे। ये क्यों काम आते हैं मीटर? गाइस आप में से किसी को पता हो ये मीटर का क्या काम है कैमरास में, पुराने कैमरास में, तो मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। गाइस दीज आर प्रोजेक्टर्स पुराने जमाने के। ये इमेज में चाचा कुछ दिखा रहे हैं गांव के, प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ओह क्या सही प्रोजेक्टर्स है यार, ये भी प्रोजेक्टर होगा। तो अभी हम आए ट्विन लेंस रिफ्लेक्स के कॉलम में। मैडम ये क्या है, हर कैमरे पे दो दो? हाँ, इसके लिए वो बोल रहे हैं कि जो व्यूइंग एक ऊपर व्यूइंग लेंस है और नीचे वाला टेकिंग लेंस है, तो ऊपर वाला अच्छा। व्यू फोकसिंग एंड कंपोजिंग के लिए होता है और नीचे वाले से पिक्चर क्लिक होती है। अच्छा, तो ऊपर वाले लेंस से मतलब हम देखते हैं कि क्या इमेज बनी है और नीचे वाले से कैप्चर होती है। ओ भाई साहब ये क्या है, मुझे लगा उसी कमरे में सारे हो गए थे बढ़िया बढ़िया, लेकिन यहाँ तो बाप कैमरा है, उससे भी बड़ा कैमरा। पर जो तू कह रही थी कि कमरे जितने बड़े कैमरे होते हैं सच में प्रूफ हो रहे हैं, दिस इज सो बिग कैमरा गाइस, अ प्रोसेस कैमरा। और ये छोटू छोटू से कैमरे, ओ क्यूट क्यूट कैमरा, कह रहा था ना नाखून जितने बड़े कैमरे आ गए हैं, छोटू छोटू से कैमरा उस जमाने के जैसे ये भाई साहब जेम्स बॉन्ड वाले कैमरे भाई लोग, ये मतलब उस जमाने के स्पाई कैमरा। ये क्या चीज है? ओ हो गया कैमरे में कैप्चर हो गया भाई, दूर जाके गए आपने देखो कैसे थोड़ा हल्का सा ब्लर आउट है, जैसे हम पास लाए ओहो हाथी जी एकदम क्लियर नजर आ रहे हैं अब तो। ओ माय गॉड, तो मैन्युफैक्चरर की टेप भी साइड में पड़ी जा रही है, मेड इन यूएसए। आई वंडर मैं पहले क्यों नहीं आया यहाँ। ये वाले कौन से कैमरे? पोलरॉइड्स, ये है पोलरॉइड्स। अरे वो वाले हैं जो को हार्ड कॉपी मिल जाती है। हाँ यस, इंस्टेंट फिल्म कैमरा भाई, ये है वो ब्रांड है जो दिमाग में पल्ले पड़ता है, कैनन। इस जमाने के ना हम लोग कैनन वाले, ये वाले के बारे में बोल रही होगी तू जिसमें नेगेटिव्स डलते थे। डिजिटल है ये वाला है जिसमें रील डलती थी, नेगेटिव्स निकलते थे इसमें से। हाँ ये वो जगह है, राइट राइट, डार्क रूम जहाँ पे नेगेटिव्स प्रिंट होते थे, वो लाइट जली वो तो नहीं आएगा। ये रोल्स वोल्स रखे हुए हैं, ये देख इन्होंने ऐसे दिखा भी रखा है, क्लिप लगा, ये क्लिप यूज होती थी राइट, ऐसी सी हमें मिलती थी रील्स। भैया प्रिंट कर दो मेरे भाई का बर्थडे। हाँ ये सारे सॉल्यूशंस गाइस, अगर आपको नहीं पता हो सारे सॉल्यूशंस को यूज करके डिप करके रील्स को उनमें से कलर निकालते थे। ये पता है मुझे पूरा, चेतक इन एंड आउट बचपन में चलाते थे ना। चलो मैडम हो गया आज के लिए कैमरा एडिशन।